इसमें जितनी भी सब्जियां ना ये 8 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये किस कंडीशन में है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रिज में बहुत सारी पॉलीथीन रखी हुई है। मैं इस पॉलीथीन में ना सब्जियां रखती हूँ। आज भी बहुत सारे लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं सब्जियां रखने के लिए, पर मुझे किसका सॉल्यूशन मिल गया है और मुझे काफ़ी पसंद भी आया, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप मेरा अभी फ्रिज देखे, ढेर सारी पॉलिथीन है उसमें, और मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें सब्जियां रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सब्जियां बहुत दिनों तक, बहुत नहीं मतलब 6 से 7 दिन तक मैक्सिमम फ्रेश बनी रहती है, जल्दी गलती नहीं है, सूखती नहीं है। पर क्या वो देखने में अच्छा लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक सॉल्यूशन मिल गया है जिससे आपका फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगेगा, सुंदर लगेगा और आपकी सब्जियां भी बहुत मतलब 6 से 7 दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। मैं आपको अब प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जो आप लोग शेयर करने वाली हूँ वो मैं 7 से 8 दिनों तक इस्तेमाल भी कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है उसका, तो मैं सोची आप लोग को भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, अगर आपको घर को, फ्रिज को, इवन आप घर के हर एक पार्ट को ऑर्गेनाइज रखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो में बने रहे आप लोग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में रखने वाला ही बॉक्स है, और इसमें आप सब्जियों को रख सकते हैं, जैसे कि मिर्च, गाजर, मूली, कैप्सिकम और जितनी भी छोटी छोटी सब्जियां ना वो इसमें आराम से आ जाएगी। और इसमें ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सब्जियां सूखती नहीं है, लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है, एकदम बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश। और ये मुझे ये पूरा 8 पीस है। इसका मैं प्राइस और लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से इसे जरूर देखिएगा। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे लंबा दे रखा है, इसे आप इस तरह से पुश करेंगे, ये देखिए इसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। और अंदर साइड में ये दे रखा है एक स्टैंड जैसा, हल्का हल्का छोटा छोटा स्टैंड जैसा, इसे नीचे करके ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर आप लोग को सब्जी को रख देना है। तो मैं तो ऑलरेडी इसे यूज कर रही हूँ, यहाँ तो बस ये कितना, यहाँ 4 पीस है, बाकी 4 मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ जो कि यहाँ रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ इसमें जितनी भी सब्जियां ना ये 8 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये किस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये पूरा 8 पीस है, इसका प्राइस और लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये इसी बॉक्स में आया था गाइस, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से आया है ये। और ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जियों को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें रखी हूँ धनिया, मैं इसमें धनिया रखी हूँ और आप धनिया की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है और ये इसमें 8 दिन से है। नीचे मैं टिश्यू पेपर रख देती हूँ ताकि, क्योंकि क्योंकि पत्तियों में हल्का हल्का पानी होता है ना, तब मॉइस्चर होता है, तो इसके लिए मैं इसमें टिश्यू पेपर रखी हूँ। बस धनिया के नीचे मैं टिश्यू पेपर रखी हूँ, बाकी किसी में नहीं। आप देख सकते हैं इसमें मैं मिर्च रखी हूँ, इसमें मैं मिर्च रखी हूँ और ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा पीस है। इसका साइज आप देख सकते हैं लंबा है और आपको आइडिया लग रहा होगा। और ये देखिए कितनी फ्रेश है, एक भी मिर्च खराब नहीं हुआ इसमें, और ये 8 दिन से इसमें पड़ा हुआ है। और मिर्च ही नहीं, जैसे कि आप होता है ना कि कोई भी चीजें काट के ऐसी फ्रिज में रख देते हैं बाहर और वो रखे रखे सूख जाती है या फिर देखने में खराब नहीं लगती। और ये देखिए कैप्सिकम मैं इसमें हाफ इस्तेमाल की हूँ और हाफ इसमें रखा हुआ है और अभी भी कितनी फ्रेश है। और ये 3 दिन से ऐसे रखा हुआ है फ्रेंड्स, और आप उसका कंडीशन देख सकते हैं, कहीं से भी ये खराब नहीं हुई है। और ये गाजर आप देख सकते हैं, और इसे आप देख लीजिए बिल्कुल फ्रेश। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। फ्रिज में रखने के बाद फ्रिज भी काफी सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जगह भी ज्यादा नहीं लेता, आप इसे आराम से इस तरह से आप इस बॉक्स के अंदर भी इस डब्बे को रख सकते हैं, बहुत कम जगह लेता है। तो ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल करने से आपका फ्रिज काफी भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज लगता है फ्रिज देखने के बाद। और इस बॉक्स की सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये बहुत ही कम जगह में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाय बाय एंड टेक केयर।